हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा आपकी क्वेरीज और हमारा सॉल्यूशन। क्या क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को हम यहाँ रिजॉल्व करेंगे, जानेंगे बाकी में उन क्वेरीज का जो भी आपने की है, चाहे वो कमेंट के थ्रू की है, व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू की है या फिर ऑन कॉल है। कई सारे कैंडिडेट ने कुछ सवाल पूछे हैं। पहला सवाल जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनानी से रिलेटेड। यूनानी से रिलेटेड एक क्वेरी ज़्यादातर लोगों की आई है। वो उन्होंने कहा है कि सर, यूनानी का जो डिप्लोमा है DUMS, वो यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया है, यूनिवर्सिटी इस डिप्लोमा को नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट काउंसिल या ऑटोनोमस बॉडी अभी भी यूनानी का डिप्लोमा करा रहे हैं, और जिससे वो कैंडिडेट जो पिछले 10-5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके पास कोई सर्टिफिकेट कोई डिप्लोमा नहीं है, तो वो इन सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा को लेके अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आपको लगाना है तो थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है और नहीं भी है, तो वो देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर में आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए करें तो बेहतर रहेगा कोई ऐसा कोर्स करें जो UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपके स्टेट की जो स्टेट फैकल्टी है जो गवर्नमेंट की, वहाँ से एफिलिएट जो कॉलेज हैं आप वहाँ से करें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं तो। हाँ, अगर प्राइवेट संस्था में आपको लगाना है या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार समझ सकते हैं कि आप इन डिप्लोमा को ले सकते हो। दूसरी क्वेरी आई थी है आयुर्वेदा से रिलेटेड। देखिए, आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से आयुर्वेदा का बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फ्लो बना हुआ है। आप ये मान के चलें कि ज़्यादातर लोग एलोपैथ को छोड़ के आयुर्वेदा की तरफ मूव कर रहे हैं। आयुर्वेदा का रिस्पांस अच्छा है, नो डाउट गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है और इसकी जो मेडिसिन है वो डेफिनेटली अच्छी है। MBBS डॉक्टर भी आयुर्वेदा के प्रोडक्ट को ये समझिए रिकमेंड करते हैं। बात ये आती है कि सर, क्या इन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट को हम किसी ऑटोनोमस बॉडी से करें, क्या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं? मेरा अपना एक सिंपल सा रिप्लाई आप लोगों के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट फैकल्टी से एफिलेटेड जो कॉलेज हैं आप उनसे करें, वहाँ आपको 100% श्योरिटी है। यहाँ पर एक डाउट बना रहता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में आप लगा रहे हैं तो पता चले मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक्सेप्टेड होंगे या नहीं होंगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आपके माइंड में 100% जॉब को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेके प्लानिंग है तो आप मत करिएगा ऑटोनोमस बॉडी से काउंसिल से कोई भी कोर्स, आपको सीधे सीधे फिर स्टेट फैकल्टी से प्रॉपर वे में उस कोर्स को करना है। तो ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स आप आयुर्वेदा का ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा अपनी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। तीसरे नंबर पे जो क्वेरी आई है वो आई है नेचुरोपैथी से रिलेटेड। तो नेचुरोपैथी से रिलेटेड क्वेरी है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर, अगर हम DNBS करें तो क्या DNBS के बाद डॉक्टर लगा सकते हैं? तो एक तो ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आती है डॉक्टर लगाने की, तो मैं बहुत सिंपल भी मैं आपको समझा देता हूँ कि डॉक्टर लगाने के लिए किन किन कोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है या किन कोर्सेज के बाद आप डॉक्टर लगा सकते हैं, वो इससे पहले की वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, क्या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नेचुरोपैथी लेके हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात आपको यहाँ समझना है कि नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा है, जहाँ पर आपको नेचुरल वे में लोगों को ट्रीटमेंट देना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप चाहें तो आप विदाउट डिग्री भी घर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है, गवर्नमेंट थोड़ी सी अवेयर हो चुकी है। अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट के कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क लग सकता है, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स जरूर करें। अगर आपको लगता है कि नेचुरोपैथी में 10+2 अगर आपके पास बायो से है तो डेफिनेटली आप फिर एक अच्छा कोर्स है BNBS आप वो कर सकते हैं। BNBS करने के लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ से करें, किसी काउंसिल किसी संस्था से BNBS नहीं करेगा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तीन क्वेरी थी, अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करेगा, और हो सके तो आप नीचे व्हाट्सअप कर लें कि आप वहाँ पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक अगर आप चैनल पर बने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।